तो जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं रिगल में टेक चैनल पर। तो पिछले दो दिनों से मैंने इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे कुछ काम के वजह से, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आज के इस नए फ्रेश डे की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ एक और नए मोबाइल फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग एम सीरीज़ का सैमसंग M30s, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर सैमसंग की तरफ से रिलीज्ड हो चुका है। और इसके अलावा इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन और कुछ पिक्चर भी लीक्ड हो चुका है। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में इस फोन के स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और प्राइस रेंज ये सब कुछ बताऊंगा। तो अब मेरे बिन थे आप लोगों से, आप लोग ये वीडियो पूरी आखिर तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो अब आते हैं इस फोन के डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें आप लोगों को वही एम सीरीज का जो डिज़ाइन है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी विद ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश, वही देखने को मिलेगा। तो अब आता है इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आप लोगों को 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 401 पिक्सल पर इंच। और इसके अलावा आप लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को भी मिलेगा। और इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है फ़ोन के पीछे। तो दोस्तों अब आते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो इसमें आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का जो कि है डेप्थ सेंसर कैमरा। और इसके अलावा आप लोगों को फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा जो कि है 16 मेगापिक्सल का, वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फोन में आप लोगों को इमेज का क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और लो लाइट में इमेज का क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगा। तो अब आते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आप लोगों का एक्सिनोस का 9610 जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, वो देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों का एड्रीनो का 6.8 GPU देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें आप लोगों का एंड्रॉयड 9.0 यानी कि एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम विथ सैमसंग का कस्टम UI यानी कि One UI वो देखने को मिलेगा। तो अब आते इस फोन के मेन हाईलाइट यानी कि फोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें आप लोगों का 6000 mAh का 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बैटरी देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को टाइप सी का सपोर्ट देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को भी मिलेगा। तो अब आते इस फोन के रैम वेरियंट और प्राइस रेंज के बारे में। तो इसमें आप लोगों को 2 रैम वेरियंट देखने को मिलेगा। जो इस फोन का बेस वेरियंट होगा वो होगा 4GB रैम विथ 64GB इंटरनल स्टोरेज। और इसके अलावा आप लोगों को 6GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और बेस वेरियंट का जो प्राइस रखा गया है वो है 15,000 से 16,000 के बीच में। तो दोस्तों ये फ़ोन अक्टूबर के एंड तक शायद लॉन्च हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन कन्फर्म लॉन्च होगा, ये कोई रूमर नहीं है। तो दोस्तों बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद है। अगर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझको मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।